अभी प्रदेश में कल ही 28 लोगों की कोरोना से डेथ हुई है, जो देश के बड़े बड़े राज्यों में जिनकी आबादी हमसे 10 गुना ज्यादा, उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर हमसे कम कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं, दिल्ली पे हमसे कम संक्रमित आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमसे कम संक्रमित आ रहे हैं, बिहार में हमसे कम संक्रमित आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार, हमने विधानसभा में भी उठाया इस बात को कि हम हमारे जो कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं, परंतु सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स होना चाहिए, जो उनको साधन सुविधा मुहैया करानी चाहिए, वो साधन सुविधा सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। सरकार के पास में डीएमएफ फंड का पैसा है, सरकार के पास में आपदा प्रबंधन का पैसा है, सरकार के पास में विशेष रूप से दिल्ली से उपलब्ध कराए गए विभिन्न मदों के पैसे हैं, उन पैसों का जो सदुपयोग करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। बार बार सरकार में कि लोगों में भय समाप्त हो, इसके लिए आने वाले समय के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है, उस कार्य योजना को सरकार घोषित करे, परंतु उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्य योजना घोषित नहीं की। आज भी सरकार, आज 8 महीने के बाद भी सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए कोरोना संक्रमण के मामले में, उतनी गंभीर नहीं है। और अगर सरकार कहती है कि हम गंभीर हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं, तो ये बताएं कि फिर उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी हालत यहाँ पर क्यों है, उससे ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित क्यों है, बिहार से ज्यादा लोग क्यों है, मध्य प्रदेश से ज्यादा क्यों है, दिल्ली से ज्यादा क्यों है, यहाँ पर इतनी डेथ का रेट जब कोरोना सवाब पर था तब भी इतनी डेथ नहीं हुई थी, अब 28 डेथ हो रही है, लोगों के जीवन की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही।